Bismillahirrahmanirrahim. Hello, I'm Dar Shaukat, and today in this lecture we will discuss about the parliamentary devices to control the executive. Executives is nothing but executive means ministers. यानी जो ये मिनिस्टर्स होते हैं, क्या इनको किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? क्या इनको कंट्रोल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस है? सो वही हमें डिस्कस करने हैं. देखिए, मिनिस्टर जो होता है उसके पास पावर एंड अथॉरिटी होती है. सो वो अपनी पावर एंड अथॉरिटी का कभी भी गलत इस्तेमाल कर सकता है. क्या उस केस में उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ें रखी गई है कि जो पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट अच्छे तरीके से एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्वेश्चंस पूछ के एक तरीका, कॉलिंग अटेंशन नोट्स दूसरा तरीका, वोट ऑफ सेंसर तीसरा तरीका, एडजॉर्नमेंट मोशन चौथा तरीका. इसी तरीके से बहुत सारे हमारे पास इंडिया के अंदर कुछ कमिटीज़ रखे गए हैं, जैसे कमेटी पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, एस्टिमेट्स कमेटी, एडॉक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी. इन कमिटीज़ का मकसद क्या होता है? इन कमिटीज़ का मकसद, इसके अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं, इस कमिटीज़ के अंदर वो टाइम टू टाइम मिनिस्टर से जवाब लेते रहते हैं ताकि वो कंट्रोल में रहे, वो गलत ना करे. अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस हैं हमारे पास जिसकी वजह से हम, जिनके थ्रू हम मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. मैंने कहा था हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर हमें तीन तरह के मिनिस्टर्स आते हैं. जैसे मैंने कहा था, उसके अंदर एक फुल फ्लेज्ड मिनिस्टर आता है, स्टेट मिनिस्टर आता है, डिप्टी मिनिस्टर आता है. क्या वो कंट्रोल किए जा सकते हैं? हाँ, किए जा सकते हैं. सो द फर्स्ट थिंग, फर्स्ट डिवाइस जो है उसको हम कहते हैं क्वेश्चन आर. क्वेश्चन आर, जब पार्लियामेंट्री की पहली सिटिंग हो जाती है ना, लोकसभा राज्यसभा पहले मिल जाते हैं, सो पहला घंटा जो होता है वही घंटे के अंदर क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं. उस पहले घंटे के अंदर क्या होता है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. कितने तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं? वो पूछ सकते हैं दो तरह के क्वेश्चन या तीन तरह के क्वेश्चन, हम कह सकते हैं तीन तरह के क्वेश्चन यूजुअली. सो क्वेश्चन आर के अंदर जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो है वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तीन तरह के क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन जो होता है उसे हम कहते हैं स्टेयर्ड क्वेश्चन. स्टेयर्ड क्वेश्चन, स्टेयर्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि इट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड बाय एस्ट्रिक, यानी इसके सामने एक एस्ट्रिक लगा होना चाहिए, एंड इट नीड्स ऑरल आंसर. यानी अगर कोई पार्लियामेंट्री मेंबर किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि मैं स्टीयर्ड क्वेश्चन पूछूंगा, सो इट नीड्स ऑरल आंसर. मिनिस्टर को जो आंसर देना होगा वो ऑरल में देना होगा. सो स्टीयर्ड क्वेश्चन में मिनिस्टर जब आंसर उसके सवाल का देगा, उसके क्वेश्चन का देगा, वो ऑरल होगा, वो रिटन में नहीं होगा. पहली बात. दूसरी बात, अनस्टीयर्ड क्वेश्चन, इसके सामने एस्ट्रिक नहीं होगा और साथ में इस पे जो मिनिस्टर को आंसर देना होगा दैट शुड बी इन द रिटन फॉर्मेट. सो स्टीयर्ड के अंदर ऑरल आंसर और अनस्टीयर्ड के अंदर रिटन. उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होता है. एक और डिवाइस इज वन विच इज आस्क्ड बाई गिविंग ए नोट्स ऑफ नॉट लेस देन 10 डेज, और इसमें नोटिस दिया जाता है 10 डेज का, नॉट लेस देन 10 डेज का नोट्स दिया जाता है. और उसमें भी जो मिनिस्टर को आंसर देना होगा वो क्या देना होगा? ऑरल देना होगा. उसको हम कहते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिसमें टाइम ड्यूरेशन जो होता है नॉट लेस देन 10 डेज होता है. उसके बाद और एक चीज होता है यहाँ पे जिसको हम कहते हैं जीरो आर, याद रखिएगा. दूसरा डिवाइस जो है दैट इज द जीरो आर. ये जीरो आर कब शुरू हो जाता है? ये दिन के 12 बजे से लेके 1 बजे तक शुरू हो जाता है. सो इस 1 घंटे के अंदर क्या हो जाता है, इसमें हम कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो रेज कर सकते हैं. मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कोई भी इंपॉर्टेंट मैटर रेज कर सकते हैं विदाउट एनी नोट्स. उनको किसी से कोई नोट्स लेने की जरूरत नहीं है. सो ये कब हमारे इंडिया के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, कब से वजूद में आया है? 1962 से. सो जीरो आर के अंदर सिंपली 12 बजे से लेके 1 बजे तक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस है वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस, कोई भी इंपॉर्टेंट इशू जब होगा, विदाउट एनी नोट्स. उसको नोट्स लेने की जरूरत नहीं है. उसके बाद हाफ एन आवर डिस्कशन, तीसरा है हाफ एन आवर डिस्कशन. इट्स मीन्ड फॉर रेजिंग ए डिस्कशन ऑन ए मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस. यानी कोई ऐसा डिस्कशन होगा जिसमें कोई ऐसा इशू होगा जिसकी कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस होगी. स्पीकर जो होता है वो इस हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए हफ्ते में 3 दिन अलॉट कर लेता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को कि वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नॉट मोर देन 3 डेज. एक हफ्ते में सिर्फ 3 दिन मिल जाते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए. फोर्थ डिवाइस जो है उसको हम कहते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन. इट इज ऑल्सो नोन एज 2 आवर डिस्कशन. शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन जो होता है उसको
दो आर डिस्कशन भी कहते हैं, टू आर डिस्कशन भी कहते हैं। इसमें मेंबर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई भी डिस्कशन कर सकता है, लेकिन जिसका पब्लिक इंपॉर्टेंस होगा, जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा। और इसके लिए एक हफ्ते में 2 दिन अलॉट किए जाते हैं स्पीकर के द्वारा। स्पीकर हफ्ते में 2 दिन अलॉट कर लेता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस को कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद है और एक, दैट्स द कॉलिंग अटेंशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन। इट मीन्स दैट इट इज़ यूज टू कॉल द अटेंशन ऑफ ए मिनिस्टर। यानी अगर हमें किसी मिनिस्टर से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना हो, हम उसे पूछ सकते हैं उस मिनिस्टर से क्वेश्चन, उसको हम कहते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। लेकिन वो क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन पूछना जिसका पब्लिक इंपॉर्टेंस होगा, याद रखिएगा। यानी ऐसा ये नहीं है कि हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते, नहीं, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना होगा जिसकी पब्लिक इंपॉर्टेंस होगी। और ये कॉलिंग अटेंशन मोशन हमारे इंडिया में कब से इस्तेमाल किया जा रहा है, 1954 से। उसके बाद सिक्स्थ डिवाइस जो, उसको हम कहते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन इट इज यूज्ड इन द हाउस फॉर अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये मोशन भी इस्तेमाल तब किया जाएगा जब कोई इंपॉर्टेंस होगी, विदाउट इंपॉर्टेंस ऐसे इस चीज को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब कोई ग्रेव इंपॉर्टेंस होगी उस केस में हम एडजॉर्नमेंट मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एडजॉर्नमेंट मोशन को इस्तेमाल करना है, इसमें तकरीबन हमें 50 मेंबर्स की सपोर्ट की जरूरत है। एक बंदा, चार बंदे, पांच बंदे एडजॉर्नमेंट मोशन नहीं ले सकते। इसमें तकरीबन 50 मेंबर की जरूरत होनी होगी। और साथ में इम्पॉर्टेंट चीज़, राज्यसभा इस डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकता एडजॉर्नमेंट मोशन का, ये सिर्फ लोकसभा इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लोकसभा कभी भी किसी मिनिस्टर से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, सो वो एडजॉर्नमेंट मोशन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उस समय में लोकसभा जो है उनके पास वो जो मोशन रेज करनी है उसमें 50 मेंबर्स की ज़रूरत होगी। ये हो गया एडजॉर्नमेंट मोशन। उसके बाद और एक है जिसको हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कह देता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मैंने आपको कहा था कि जो लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ होती है उसमें जो हम 15% कैरी आउट करते हैं, ड्रान करते हैं, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा सभा। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब लोकसभा अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन का इस्तेमाल करे एंटायर पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिलेटेड, यानी तीनों तरह के जो मिनिस्टर होते हैं, और अगर ये पास हो गई लोकसभा में, जो लोकसभा ने मोशन पास कर दी नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ये पास हो गई, उसी समय पे पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होगा उनको उनका रिजाइन होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नो कॉन्फिडेंस मोशन। उसके बाद लास्ट वन है सेंसुअर मोशन। सेंसुअर मोशन में क्या होता है, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। सो सेंसुअर मोशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के ऊपर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर या इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर हम ले सकते हैं इस मोशन को। बट इफ इट्स पास्ड इन द लोकसभा, अगर ये मोशन पास हो जाती है लोकसभा में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देने की कोई जरूरत नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर क्या होगा, पूरा रिजाइन होगा। सेंसर मोशन के अंदर नहीं होगा पूरा रिजाइन, उसमें पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना होगा। पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कब रिजाइन हो जाता है, जब पूरा लोकसभा के मेंबर जो होते हैं वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करें, किनके अगेंस्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट। सो ये कुछ डिवाइसेस है जिससे कंट्रोल कर सकते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, यानी एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस, ताकि वो कभी गलत ना करे। सो गलत को रोकने के लिए इंडिविजुअल जो इंडिविजुअल है वो कभी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में आके कभी अपने पावर और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल ना करे, उनसे टाइम टू टाइम जवाब लेने के लिए इन मोशंस का इस्तेमाल किया जाता है, इन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरीके से डेमोक्रेसी का स्पिरिट जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट जो होता है, वो मेंटेन रह जाता है। बिफोर कंक्लूडिंग माय टॉपिक, आई एम रिक्वेस्टिंग माय ऑल वेलविशर्स, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। द नेम ऑफ माय चैनल इज ओशींस, एजुकेशन ओरिजिन ऑफ क्रिएटिव एनर्जीज एंड न्यूरोसाइंस, स्टार्टेड बाय डार शौकत। थैंक यू सो मच।